अनाथ, तो अनाथ हो गया। 18 साल तक बंदी रही है वो प्रेत आत्मा, उसकी तड़प का, उसके क्रोध का तुम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब तो वो और भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी हुई शाकरी, उसको दोबारा वश में करना आसान नहीं होगा। बाबा कोई तो उपाय होगा। चंद्रग्रहण की रात पितात्माओं की शक्ति सबसे कम होती है, सो उसी रात वश में किया जा सकता है। यार ये भूतनियों का कनेक्शन हमेशा चंद्रग्रहण के साथ ही क्यों रहता है? बाबा ही मींस चंद्रग्रहण कब है? 3 दिन बाद। 3 दिन? तुम 3 दिन बाद मंजुलिका के रूम में नहीं घुस सकती थी? उसके निकलने के साथ ही उसको अंदर वापस से डलवा देते। मुझे अपनी फिक्र नहीं है बाबा, लेकिन मेरा पूरा परिवार। मैं 3 दिन तक दिन रात विष्कोटि महाकाल का जाप करता रहूंगा, वो तेरे और तेरे परिवार के आसपास फटकने भी नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी वो, कुछ नहीं। ये बाबा कहीं और बाबाओं की तरह तो नहीं है? अभी तो बड़ा शाकड़ी चुकड़ी कर रहा था, कह रहा था मंजुलिका कुछ नहीं कर पाएगी, तो बच्चे के साथ खेल रही है। ये उसके साथ नहीं, हमारे डर के साथ खेल रही है। ए चाचा, क्या है? चाचा, इधर। अरे रुहान, अब तेरी जरूरत नहीं पड़ती, रीत खुद ही खेलना स्टार्ट कर देती है, वो देख। चाचा जी, वो रीत नहीं है। तो कौन है? मंजुलिका है। भाई साहब, मंजुलिका कमरे से बाहर गई। अबे रुको। मंजुलिका। सुबह सुबह टन हो गए, टन। मजाक कर रहे, मजाक। बताना है, बताना है। क्या बताओगे भाई साहब? कि आपकी वजह से बाहर निकल आई है? मेरी वजह से? मतलब? और नहीं तो क्या? उस दिन किसने मुझे टुन्नो के बोला था कि दरवाजा खोल दे? हैं? किसने बोला था कि त्रिशूल निकाल ले? बोला था तो ये उल्टा कभी नहीं मेरे बच्चे को कुछ करने दे। वो मंजुलिका तो सुन रही है। सुन रही है? हाँ तो सुन रही तो सुनने दो ना। मैंने गलत थोड़ी बोला कुछ। मंजुलिका जी, अब मेरे पोटलू की आप पोटली बतवा देना। मंजू को बच्चों को ज्यादा खेलने कूदना नहीं चाहिए, मेरा होमवर्क अभी बाकी है, कहीं मैं पेश हो जाऊं। पोटलू, आप यहाँ? रोहन, चाचा जी गायब है, कहीं नहीं मिल रहे हैं। मंजुलिका ने तो चाचा जी को
पता नहीं कहाँ चले गए। लगता है तो भाई सबको बताना ही पड़ेगा। मम्मी आपको पता नहीं, मुझे लगता है कि पापा को मंजू मंजू हाँ मंजू मंजू नाम की लड़की से चाचा जी बात कर रहे थे। मैंने कानों से सुना। चाचा डेट पे जाने का प्लान बना रहे थे। क्या यहाँ मैं इनके लिए परेशान हो रही हूँ और वहाँ ये आदमी गुलछरे उड़ा रहे हैं। मरने दो इनको। अरे मम्मी नहीं, कहाँ जा रहा है भाभी? आप उधर देखिए, मैं इस जानवर को लेके जाता हूँ। चल कुत्ता भी पाल लिया क्या? लेकिन ये कुत्ता काटता नहीं है। मुझे क्या आगे कर रहे हो? क्योंकि बाप तेरा है ना, कुर्बानी तो तेरी लगेगी ना बेटा। चाचा मंजुली का के बेड पे सो रहे हो, आपके ऊपर आके पसर जाएगी वो। मंजुली का दुनिया में कहीं भी जाएगी। अच्छा क्यों? अरे बावले, मंजुली का 18 साल अटे कैद पे रही है। 18 साल तो तू कैदी जेल से छूट के कहीं भी जाएगी, पर खुद अपनी मर्जी से वापस जेल को नहीं आवेगा। अरे चाचा, भाभी ने तांत्रिक के साथ मिलकर प्लान बना लिया है, आप क्यों डर रहे हो? अरे उससे इतने सालों में ठीक से दाल चूरमा बनाना नहीं आया, प्लान क्या घंटा बनाएगी? मैं ना निकलने वाला यहाँ। अरे चाचा चल लो यार, कर लो जो भी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बाप को छोड़ के चल रहा है।